पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में एक दबंग पर युवक की बेरहमी से गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या रंजिशन हुई है। घटना थाना क्षेत्र के गांव हरकिशनपुर की है। पुलिस ने एक नामदर्ज आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस ने अभी नामदर्ज आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव हर्रेया हरकृष्णापुर के रहने वाले 32 वर्षीय हरिपाल की बीती रात हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हरिपाल का पड़ोस के ही गांव के रहने वाले हरस्वरूप से झगड़ा चल रहा था। 6 महीने पहले ही हरस्वरूप ने हरिपाल को मारने का प्रयास किया था, जिसमें हरिपाल ने हरस्वरूप के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया था और अभी 4 दिन पूर्व ही हरस्वरूप जेल से जमानत पर रिहा होकर आया था। परिजनों ने बताया कि बीती रात करीब 11 बजे हरिपाल के पास कोई फोन आया और वह घर से निकल गया। आज सुबह गांव वालों ने देखा कि हरिपाल का खून से लथपथ शव गांव के ही लखनपाल के घर के सामने एक चारा काटने वाली मशीन के पास मिला। पुलिस के अनुसार हरिपाल ने हत्या का आरोप हरस्वरूप पर लगाया है, क्योंकि हाल ही में हरस्वरूप हरिपाल द्वारा लिखवाए गए मुकदमे में जमानत पर रिहा होकर 4 दिन पूर्व ही आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हरस्वरूप पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अभी अन्य पहलुओं पर भी जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। कैसे घटना हो गई, कौन से आपके क्या हुआ? ये मेरे फफेरे भाई थे एक्चुअली, और इनका विवाद 5-6 महीने से चल रहा था। गांव के ही हैं, हर्षुक नाम के, हर्षरूप नाम के, नवा नगरी वहाँ के रहने वाले। इनसे विवाद चल रहा था, तो पहले भी एक बार इन्होंने खेत में मार के मतलब अधमरा करके इन्होंने तो एक्चुअली ये जान के डाला था, ये मरी गया। तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराया, फिर सही हो गए। फिर अभी कल की बात थी, रात के 10 बजे कोई फोन आया, अभी ये पता नहीं किसका फोन आया। तो फिर बात करते हुए निकल गई ये, फिर रात में ढूंढा खखोरा कहीं नहीं मिले। फिर सुबह गांव वालों ने आके सूचना दी कि ऐसे ऐसे वहाँ ये पड़े हुए। सर, न्यूरिया में एक मर्डर हो गया बताया जा रहा है, किसी को मार दिया गया, क्या मामला है, क्या कार्रवाई कर रही है? हरकृष्णापुर के गांव का हरिपाल है, जो 32 साल का लड़का है, शादीशुदा है। उसकी रात में 11 से 12 के बीच में हत्या हुई है, क्योंकि उसकी माँ बता रही थी 11 बजे वो घर से गया था और उसको घर वालों को सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी लखनलाल जो है लोधे राजपूत के घर के सामने मिली है। उसको गला काटा गया है अच्छी तरीके से। परिजनों ने जो है शक के आधार पर 22वां एक अभियुक्त के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस लाश का पंचनामा भर के पीएम के लिए भेज दी है। FIR दर्ज हो गया है। अब कुछ फैक्ट हैं जिनके आधार पर डेवलप करके उसके आधार पर जो है एक्चुअल अभियुक्त को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।